वेलकम ऑन वेलकम बैक टू माय चैनल अपूर्वा पैशन। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ इस मेकअप लुक को शेयर करने वाली हूँ जो कि होने वाला है दिवाली मेकअप लुक। आप दिवाली पे ऐसे तैयार हो सकते हो एंड बहुत ही इजी तरीके से मैंने इस मेकअप लुक को क्रिएट किया है। सो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ SQ का आई प्राइमर। ये आई प्राइमर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड अब मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। सो कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल के कंसीलर ये कंसीलर जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंसीलर है। इसे मैं अपने आईलिड पर अच्छे से लगा लूँगी एंड इसके मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड मैं यूज़ करने वाली हूँ कॉम्पैक्ट। सो कॉम्पैक्ट के लिए मैं यूज़ करूँगी फेसेस के कॉम्पैक्ट, जिससे मैं अपना आईलिड सेट कर लूँगी। एंड देन मैं यूज़ करने वाली हूँ SFR के हेटेड विथ लव आई शेडो पैलेट। ये जो आई शेडो पैलेट है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके जो पिगमेंटेशन है वो गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड ये बहुत ही बजट फ्रेंडली आई शेडो पैलेट है एंड इसमें आपको बहुत सारे कलर्स भी मिल रहे हैं। सो आप ट्राई कर सकते हो। एंड अब मैं इसमें से ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ एंड अपने आईलिड पे ब्लेंड कर रही हूँ, बिकॉज मुझे सिंपल सा लुक क्रिएट करना है, आई लुक क्रिएट करना है। मैं बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं क्रिएट करूँगी। एंड देन मैं यूज़ करूँगी ऑरेंज कलर। मैं ऑरेंज कलर पिक करूँगी एंड अपने आईलिड पे इसे अच्छे से प्लेस करूँगी। मैं तब तक इसे ब्लेंड करूँगी जब तक मुझे मेरा एग्जैक्ट कलर नहीं मिल जाता। मैं थोड़ा सा डार्क करूँगी जिससे हमारा जो आई लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे एंड सिंपल सा लगे बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। मेरा जो आउटफिट है मैं उसी कलर से मैच करता आई लुक क्रिएट कर रही हूँ, बिकॉज मेरा जो आउटफिट है वो ग्रीन पे है। सो इस लाइट ग्रीन सिमर को मैं अपने आईलिड पे प्लेस करूँगी, जो कि सिमर होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये आप देख सकते हैं। एंड इसे प्लेस करने के बाद मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी, जिससे कोई भी हार्श लाइन ना रह जाए। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके उसे ग्रे कर दे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे एंड अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एंड इसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं यूज़ करूँगी ग्लिटर। सो मैं उसी पैलेट से एक सिल्वर कलर का ये ग्लिटर है एंड इसे मैं अपने ग्रीन शिमर वाले आई शेडो पे मैं इसे प्लेस करूँगी, जिससे हमारा जो आई लुक है वो हमारे जो आउटफिट है उससे मैच करे एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड ये आप देख सकते हो। देन मैं यूज़ करने वाली हूँ आईलाइनर। सो आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस के आईलाइनर। मैं सिंपल सा आईलाइनर ड्रॉ करने वाली हूँ। सो मैंने दोनों आईज़ पे आईलाइनर ड्रॉ कर लिया है एंड मैंने फॉल्सेस भी अप्लाई कर लिया है। सो अब मैं यूज़ करने वाली हूँ स्वीस ब्यूटी के आईब्रो एंड आईलाइनर जेल। सो मैं आईब्रोज़ को अपने फिल करूँगी इसी आईब्रो किट से। सो मैंने अपने आईब्रोज़ को फिल कर लिया है एंड अब मैं यूज़ करने वाली हूँ निविया के मॉइस्चराइज़र। सो इससे मैं अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करूँगी, बिकॉज विंटर्स आ रहे हैं। सो आप मॉइस्चराइज़र को स्किप ना करें एंड बहुत ज़्यादा अच्छे से आप अपने फेस पे इसे अप्लाई करें। एंड अब मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। सो प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ SQ के ऑयल प्राइमर। सो ये जो प्राइमर है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप विंटर्स के लिए इसे रख सकते हो, ये विंटर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इससे हमारी जो स्किन है
वो ड्राई नहीं रहती है, वो अच्छे से मॉइस्चराइज रहती है। सो आप इसे ट्राई कर सकते हो। एंड मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज कलर का। मेरे आई के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है, सो मैं अपने डार्क सर्कल पर इसे यूज़ कर रही हूँ। एंड उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी एंड उसके बाद मैं यूज़ करूँगी कंसीलर। सो कंसीलर के लिए मैं एले गर्ल का कंसीलर ही यूज़ कर रही हूँ। एंड मैं कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। एंड इसे आप टाइम दो, बिकॉज आप ब्लेंडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करो। ब्लेंडिंग अगर आप अच्छे से करते हो तो आपका जो बेस है वो केकी एंड पैची नहीं होता है, सो इसलिए। एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन। सो फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल के फाउंडेशन। मैं अपने स्किन टोन से वन शेड लाइट फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, बिकॉज अगर आप एक दो शेड अगर आप लाइट फाउंडेशन यूज़ करते हो आप सेम भी यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको अच्छा कवरेज चाहिए सो आप एक शेड लाइट अगर आप यूज़ करते हो फाउंडेशन सो वो बेस्ट होता है। आप सोचते होगे कि मैं बहुत ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ करती हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा लाइट फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, सो मैं ऐसा कुछ नहीं करती। वो कैमरे पे बहुत ज़्यादा लगता है, बट मैं जब मेकअप करके मेरा जो मेकअप जब फिनिश हो जाता है सो आप देखते हो कि मेरा जो फाउंडेशन है या फिर कोई भी चीज़ मैंने जितना भी चीज़ लगाया हुआ है वो जब मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ करती हूँ तो वो अच्छे से सेट हो जाता है एंड अच्छे से हमारे फेस में स्मच हो जाता है। ऐसा फील ही नहीं होता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप किया है। सो एंड अब मैं यूज़ करने वाली हूँ कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट के लिए मैं वही कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी, फेसेस का कॉम्पैक्ट मैंने यूज़ किया है अच्छे से। एंड ब्लशर के कॉन्टोर मैंने किया है एंड कॉन्टोरिंग करूँगी, ब्लश करूँगी। सो गाइस वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। मैंने ब्लशर के लिए स्विस ब्यूटी के हाइलाइटर एंड ब्लशर पैलेट यूज़ किया है एंड इससे मैंने हाइलाइटर एंड ब्लशर दोनों मैंने यूज़ कर लिया है। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले एंड अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ काजल। सो काजल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन के कैलसोल काजल। एंड काजल यूज़ करने के बाद मैं एक ब्रश की हेल्प से ऑरेंज कलर को मैं स्मच कर रही हूँ अपने काजल के पास। एंड देन मैं यूज़ करने वाली हूँ फेसेस के मेकअप सेटिंग स्प्रे। सो ये जो सेटिंग स्प्रे है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा आपके बजट के ऊपर है बट कोई नहीं, बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है सो इसलिए आप इसे बाय कर सकते हो। सो लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आई एम्स्टरडैम के न्यूड ऑरेंज न्यूड लिपस्टिक है। ये जो लिपस्टिक है ये बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एंड ये जो लिपस्टिक है सो ये ड्राई होने के बाद इसका जो कलर है ये बहुत ज़्यादा अच्छे से आ जाता है। एंड अब आप देख सकते हो ये मैंने इयर रिंग एंड हेयर स्टाइल बना लिया है। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक।